Okay, so let us start with the last topic of this chapter, that is displacement current. Displacement current ek topic humne pending rakha tha. Let us discuss this very interesting and very very simple topic, displacement current. Okay, the idea is very simple. Ab agar aapko pata hoga, अगर आपने एक कंडक्टर, लेट्स टेक अ कंडक्टर, ओके लेट अस टेक अ कंडक्टर, हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लो दिस इज अ कंडक्टर. इस कंडक्टर को अगर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया मतलब वी आर कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी और अ सेल, ओके सो वी आर कनेक्टिंग दिस टू अ बैटरी और अ सेल. So what happens in this case, if you are connecting a battery or cell, what happens in this case, electrons, free charges start moving from negative terminal towards positive terminal. So direction of electron current is from negative towards positive, and direction of conventional current is from positive towards negative. Is current ko hum log bolte hain conducting current, IC. करंट ड्यू टू कंडक्टिंग चार्जेस, फ्री चार्जेस. याद करो हमने फ्री और बाउंड चार्जेस दो चीजें सीखी थी, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस. फ्री चार्जेस आर दोस चार्जेस विच कैन मूव इजीली थ्रू मटेरियल लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बाउंड चार्जेस आर दोस चार्जेस विच कैनॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन साइड अ मटेरियल, राइट. तो ये जो हमारे पास करंट आया आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी सेल, दिस इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग चार्जेस, इसको मैं बोल रहा हूँ आईसी, कंडक्टिंग करंट. ओके सो लेट्स कॉल दिस एज फॉर एग्जांपल कंडक्टिंग करंट. ओके तो नाउ कंडक्शन करंट भी बोल सकते हो, कंडक्शन करंट बोल दो. अब होता क्या है, इंस्टेड ऑफ अ कंडक्टर, एज यू नो हमने कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट सीखा है. अगर मैंने एक कैपेसिटर के अक्रॉस एक डीसी सोर्स लगा दिया, डायरेक्ट करंट का सोर्स मतलब बैटरी या सेल कनेक्ट करते हैं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ओके सो इफ वी कनेक्ट अ कैपेसिटर, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने बैटरी कनेक्ट कर दी तो सर्किट तो कंप्लीट हो गया, तो करंट तो फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज ओके. कहां पे फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मूव होंगे, इस पार्ट में मूव होंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द कंडक्टिंग पार्ट, मतलब कंडक्शन करंट कहां पे है, कंडक्टिंग पार्ट में. कैपेसिटर को कनेक्ट करने के लिए बाहर तो आप वायर लगाओगे ना, टर्मिनल लगाओगे, उसके बाद कनेक्ट करोगे. तो होता क्या है, जब आपने एक सर्किट में एक कैपेसिटर लगा दिया, सर्किट अगर कंप्लीट है तो इस कैपेसिटर को कनेक्ट करने के लिए जो भी कनेक्शंस आपने यूज किए हैं वो वायर होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा. तो उतने पार्ट में यू हैव कंडक्शन करंट, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. नाउ लेट अस से दैट इज कंडक्शन करंट, रिमेंबर, और you already know conduction current is due to conducting electrons which are free electrons. Now if I insert a dielectric slab between the plates of capacitor, if we insert dielectric slab between the plates of capacitor, ab aapko pata hai ki kya hoga, yahan pe hota hai polarization of charges, right, correct. Inside the dielectric slab or inside the plates of capacitor, ये जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पार्ट में मूव हो रहे थे वो डायलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर तो नहीं जा सकते, तो कंडक्शन करंट आपको सिर्फ बाहर के पार्ट में मिलता है. अंदर क्या होता है डायलेक्ट्रिक स्लैब में, आपको पता है पोलराइजेशन होता है, यू नो दिस. एज सून एज देयर इज सम चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, इट इमीडिएटली polarizes dielectric, वो dielectric को polarize कर देगा,
वो डायलेक्ट्रिक को पोलराइज कर देगा। मतलब डायलेक्ट्रिक के अंदर पहले अगर ये पोलार डायलेक्ट्रिक है, मान लो नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक है, अगर ये नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक है, आपको पता है नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे आता है। द मोमेंट यू कीप नॉन पोलार मॉलिक्यूल इनसाइड अ कैपेसिटर, इफ यू कीप अ सब्सटेंस, हमने देखा है ऑलरेडी बिहेवियर ऑफ डायलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही आप लोगों ने डायलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखा, कौन सा डायलेक्ट्रिक स्लैब है, नॉन पोलार, राइट, उसका सेंटर, किसका सेंटर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड हो रहा था, अब क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, चार्जेस का, मैंने बताया आपको पॉजिटिव चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट एंड नेगेटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और देन यू शो दैट देयर इज शिफ्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, आप नंबर से बता देते हो, राइट। तो क्या हो रहा है, डायलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसका, चार्जेस का, क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो करंट आएगा, क्योंकि चार्जेस मोशन में आए मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और चार्जेस मोशन में आए मतलब करंट है ना, बिकॉज चार्ज मूविंग पर यूनिट टाइम बाय डेफिनेशन इज करंट, तो ये जो करंट है कहां पे, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, डायलेक्ट्रिक स्लैब में जो करंट है, दैट इज नॉट द सेम करंट विच इज इन द कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का करंट था, उसको कंडक्शन करंट हुआ था, हमने डायरेक्ट्रिक स्लैब के अंदर चार्जेस का पोलराइजेशन हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट हो रहा है, उसकी वजह से, उस मोशन की वजह से जो करंट होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एज यू कैन से, एज यू नो, यहाँ पे जो अंदर एक करंट डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, और ये जो बाहर है इसको बोलूंगा कंडक्शन करंट आईसी। ऑलराइट, नाउ यू ऑलरेडी नो, जब कैपेसिटर की हम बात कर रहे थे, जब कैपेसिटर में हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया था, तो चार्ज का हमारे पास एक इक्वेशन आया था, इफ यू रिमेम्बर, ए एप्सिलॉन जीरो के इनटू ई, इफ यू डोंट रिमेम्बर आई कैन मेक यू रिमेम्बर, हमने अभी अभी वी जस्ट रिवाइज दैट स्मॉल थिंग, so I will take you back there so that you recall things. You see, charge q is equal to a epsilon zero k into electric field e. Okay, तो जैसे ही आप कैपेसिटर की बात करते हो तो charge is a epsilon zero k e, right? What is current by definition? But current by definition is rate of flow of charge per unit time. Matlab conduction current IC will be dq by dt. Right? Rate of flow of free electrons, charges. So d dt of q, q is a epsilon 0 k into e. Therefore conduction current IC, which is dq by dt, is equal to a constant, plate area change किया कि हमने नहीं, epsilon zero constant, k dielectric constant तो constant ही है, dE by dt सिर्फ electric field change हो रहा है, क्यों change हो रहा है, because of polarization, आपको मैंने बताया था dielectric slab के अंदर एक electric field develop होगा जो external field को opposite direction में होगा, तो change किसमें है, dE में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो यू हैव कंडक्शन करंट IC इज इक्वल टू a epsilon 0 k dE by dt. Now if you remember chapter 1 of 11th standard of physics, आप फिजिक्स में कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी लिख रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी वेलोसिटी आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्टेंस है तो राइट हैंड साइड पे भी डिस्टेंस ही आएगा, करेक्ट।
तो अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन लेट अस से, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कंडक्शन करंट है, तो राइट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटी होगा उसके डायमेंशंस करंट के होने चाहिए, करेक्ट राइट। इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज डायमेंशंस ऑफ करंट बट इट इज रिलेटेड टू डायलेक्ट्रिक स्लैब के आ गया, मतलब दिस क्वांटिटी इज रिलेटेड टू, एसोसिएटेड टू डायलेक्ट्रिक स्लैब, तो जो करंट डायलेक्ट्रिक स्लैब में आया है दैट इज दिस राइट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज ए एप्सिलॉन जीरो के डी ई बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखा ही नहीं होता तो दो प्लेट्स के बीच में जो एरिया है, जो स्पेस है, इट इज गोइंग टू बी फिल्ड विद एयर। मैंने डायलेक्ट्रिक स्लैब निकाल दिया तो दो प्लेट्स का जो रीजन है, दो प्लेट्स के बीच का जो रीजन है, वहां पे एयर होगा। तो फॉर एयर के इज इक्वल टू वन, तो फॉर एयर यू हैव के इक्वल टू वन, राइट। देयरफॉर यू हैव डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो डी ई बाई डी टी, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। ओके राइट, नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन। तो द आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल, हमारे पास व्हाट वी हैव इज यू हैव टू प्लेट्स, यू हैव अ कैपेसिटर। ओके, व्हेन यू कनेक्ट दिस कैपेसिटर टू अ बैटरी टू अ सेल, कंडक्टिंग पार्ट में जहां पे मेटालिक वायर है, मतलब ये बाहर का रीजन, ये पूरा रीजन, यहां पे जो भी करंट फ्लो होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन दैट कंडक्टिंग मटेरियल, राइट। तो यहां पे हमको मिलेगा कंडक्शन करंट आईसी। इस कंडक्शन करंट की वजह से यहां पे चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू। ओके गुड, अब द आइडिया इज प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है इन बिटवीन द प्लेट्स। सो इन बिटवीन द प्लेट्स लेट अस से इफ देयर इज अ डायलेक्ट्रिक स्लैब, अब क्योंकि ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है ये स्लैब पोलराइज होगा, क्यों पोलराइज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया प्लस क्यू टू माइनस क्यू। तो जो डायलेक्ट्रिक स्लैब अगर पोलर डायलेक्ट्रिक से बना हुआ है तो पोलर डायलेक्ट, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक से बना हुआ है, इफ इट इज मेड अप ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक के केस में व्हाट हैपेंस इज यू हैव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एट द सेम पोजिशन, सेम लोकेशन, बट बिकॉज नाउ दिस स्लैब इज इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट गेटिंग डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट एंड नेगेटिव चार्जेस टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो देयर इज पोलराइजेशन। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सिर्फ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक के लिए होगा, नहीं पोलर के लिए भी होगा। पोलर में क्या था, पोलर में चार्जेस के सेंटर तो ऑलरेडी सेपरेटेड थे लेकिन ओरिएंटेशन हर एक का अलग अलग था। इफ यू रिमेम्बर इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस ऑल टाइनी डाइपोल्स वेयर ओरिएंटेड रैंडमली, करेक्ट। जब आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो ये चार्जेस खुद को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पे भी। सो इन एनी केस व्हेनेवर अ डायलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इनसाइड द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, करेक्ट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है चार्जेस का, मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कहाँ पे, डायलेक्ट्रिक स्लैब में, तो वो उसकी वजह से जो करंट आएगा, करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। वॉट डू यू नो इज चार्ज इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो के इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड,
कंडक्शन करंट बाय डेफिनेशन इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, क्योंकि चार्ज प्लस क्यू प्लेट पे कहां से आया, बैटरी से आया। अब जब आप मोबाइल फोन को चार्जिंग करते हो तो प्लग में इंसर्ट करते हो, तो चार्ज कहाँ से आया, वो सप्लाई से आया। तो यहाँ पे सप्लाई क्या है, यहाँ पे ये सप्लाई है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट। ओके, तो ये आ जाएगा डी डी टी ऑफ ए एप्सिलॉन जीरो के इंटू ई। प्लेट का एरिया चेंज हुआ क्या, हमने कैपेसिटर बना दिया, बना दिया, हमारे पास मोबाइल फोन है उसका बैटरी बना दिया, बना दिया, हम बाद में प्लेट तो चेंज नहीं करेंगे। एरिया इज फिक्स, एरिया इज फिक्स, ए इज फिक्स, एप्सिलॉन जीरो इज कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग नाउ। क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, तो देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीई बाई डी टी, ऐसा है। गुड गुड, तो लेफ्ट हैंड साइड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज कंडक्शन करंट, लेफ्ट हैंड साइड इज कंडक्शन करंट। ओके, ये जो राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे करंट है तो राइट हैंड साइड पे भी करंट के डायमेंशन होने चाहिए। तो ये राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है, which is related to dielectric constant, मतलब which is related to dielectric slab, this quantity is called as displacement current. तो ये आ गया आपका displacement current, extremely simple thing. Okay, now अगर मैंने slab निकाल लिया, if I don't put this slab, तो बीच में air है, air के लिए k equal to 1 है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर विल बी ए एप्सिलॉन जीरो डी ई बाय डी टी, ऐसा आएगा ये। ऑलराइट, तो दैट इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट्स इट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू extra numerical. So I will be taking this numerical. Find equivalent capacitance between A and B in case of the following network. So you have been given a network. आपको बोला है equivalent capacitance निकालो between terminals A and B, between A and B points. Okay. Assuming all the capacitors have capacitance of 10 microfarad. जितने भी यहाँ पे capacitor है, सबका capacity 10 microfarad का है. Okay, if a battery of 200 volt is connected between A and B, अगर मैं A और B के बीच में 200 volt का battery लगा देता हूँ, if I connect 200 volt supply between these two points, 200 volt, okay, what would be the electrostatic energy stored in the network? So first of all, what is given to us? We have been given all these capacitances, around 9 of them, C1 equal to C2 equal to C3 equal to C4 up to C9. All of them are 10 microfarad capacity, right? और बाद में हम एक potential difference 200 volt का connect करने वाले हैं। हमें find क्या करना है? हमें पहले तो find करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, दूसरा हमको फाइंड करना है, यू नीड टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। हमको फॉर्मूलास कौन कौन से लगने वाले हैं, वी आर गोइंग टू नीड 3 फॉर्मूलास। नंबर 1, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज आई मीन ऑफ कोर्स यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज 1/CS, या फिर इन शॉर्ट मैं तो बोलूंगा सी एस इक्वल टू सी बाय एन। क्यों सी बाय एन, मैंने बताया था अगर आपके पास एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, सी 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 ऐसे आपके पास अगर एन कैपेसिटर है इक्वल कैपेसिटी के, तो इक्विवेलेंट होता है सी बाय एन, ये पता होना चाहिए क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज समथिंग यू शुड नो, राइट, या फिर जनरल फॉर्मूला भी लिख देंगे तो भी चलेगा, इट्स ओके इफ यू राइट डाउन 1/CS equal to 1/C1, 1/C2 and so on, ठीक है। हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में
कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट क्या होता है ये भी बताना चाहिए हमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर पता होना चाहिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज प्रीटी सिंपल। अब क्या है कि ये जो डायग्राम है आई कॉल इट एज एंड पॉइंट मेथड। ओके, किसी भी सर्किट में अगर बहुत सारे कैपेसिटेंसेस होंगे तो उसको सिंप्लीफाई करना कहां से, एंड ब्रांच से, मतलब यहां से स्टार्ट करो। तो ये तीन C1, C2, C3 ये सब मिलके आपको सीरीज कॉम्बिनेशन देंगे CS। ओके, सो C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज, राइट? देयरफॉर यू विल हैव CS इज इक्वल टू C/3 एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस C है ना, सारे के सारे 10 माइक्रोफेरड के है, ऑल ऑफ देम आर 10 माइक्रोफेरड, करेक्ट? तो तीन अगर सीरीज में है तो 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, मतलब 3/C, मतलब C/3 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, ऐसा आ गए हो तो ये पता होना चाहिए। तो मैं फिलहाल 10 वैल्यू नहीं डालने वाला हूँ, मैं आखिरी में डालूंगा वैल्यू। ये एक और ट्रिक है टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अगर सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है तो उन सबको सी बोल दो, पूरा सर्किट सॉल्व कर लो और आखिरी में सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। ओके, गुड। तो ये आ गया आपके पास C/3। नाउ अब ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने तीन कैपेसिटर का निकाला वो C4 के साथ पैरेलल में है, राइट? तो C4 एंड CS आर इन पैरेलल। ओके, सो नाउ C4 एंड CS आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, देयरफॉर CP इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज C4 प्लस CS, पर C4 इज C एंड CS इज C/3, तो ये आपको मिल जाएगा 4C/3। गुड, मतलब अब क्या हो गया कि अब आपका जो सर्किट था, ओके, आई विल जस्ट ड्रॉ अ सर्किट हियर बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब व्हाट यू कैन डू इज आप इस सर्किट में इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई किया बता देता हूं मैं आपको। ये था ए टर्मिनल, ये था बी टर्मिनल। ओके, यहां पे एक कैपेसिटेंस था C8, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है C9, यहाँ पे C7, यहाँ पे C5, यहाँ पे C6, ओके? और ये जो टोटल है C4 और CS मिला के, ये टोटल को आपने बोल दिया है, मैं आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस, C4 और CS ये मिला के आपने बोल दिया है CP, मतलब मुझे अब वहां पे चार कैपेसिटेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक ही कैपेसिटेंस दिखा दूंगा एंड आई विल कॉल दैट कैपेसिटेंस एज सी पी। यहाँ पे जो है वो है, यहाँ पे कितना है C5 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपके पास C6, यहाँ पे कितना है C7, यहाँ पे यू हैव C8 एंड हियर यू हैव C9। अब वापस से वही स्टोरी, अब C5, C6 एंड CP आर इन सीरीज। ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन से इज, नाउ C5, CP एंड C6 आर इन सीरीज, मैं इसको बोल देता हूं CS डैश,
ना सीरीज में है वो, तो वन अपॉन सी एस डैश, वन अपॉन सी एस डैश इज इक्वल टू वन बाय सी फाइव प्लस वन बाय सी पी प्लस वन बाय सी सिक्स। ये तो सी फाइव तो सी था, सी पी अभी अभी निकाला आपने फोर सी बाय थ्री, ये यू जस्ट फाउंड आउट। ओके सो इस पूरे को मैंने नाम दिया है सी एस डैश, बाय द वे ये आपके पास आ गया फोर सी बाय थ्री ओके प्लस वन अपॉन सी। तो वन अपॉन सी एस डैश वन बाय सी प्लस वन बाय सी इज टू बाय सी इक्वल टू प्लस थ्री बाय फोर सी प्लस थ्री बाय फोर सी। इसको सॉल्व करो, यू टू सॉल्व दिस। सो दिस इज एट प्लस थ्री इलेवन सी अपॉन फोर सी स्क्वेयर। तो सी एस डैश आपको मिल जाएगा फोर सी स्क्वेयर बाय इलेवन सी मतलब फोर सी बाय इलेवन। ओके सो दिस इज फोर सी बाय इलेवन, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। गुड गुड, तो आपको इतना पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस मच राइट। नाउ अब हम इस सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इस सर्किट में से फ्रॉम दिस सर्किट आई एम गोइंग टू टेक ऑफ रिमूव थ्री कैपेसिटर्स, इन तीनों को हटा के मैं वहां पे एक सिंगल कैपेसिटर डाल दूंगा। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस कैपेसिटर फ्रॉम हियर, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर, क्योंकि इन तीनों को हम हटा के एक सिंगल कैपेसिटर डाल ही सकते हैं। सो वी कैन पुट अ सिंगल कैपेसिटर इन देयर प्लेस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का तो मतलब ही वही होता है दैट यू ज्यादा कैपेसिटर है तो हटाओ, वहां पे सिंगल लगाओ। तो यहाँ पे आ गया आपका सी एस डैश। नाउ इफ यू नोटिस, अगर आप अभी देखोगे तो ये जो सी एस डैश और सी सेवन है इट इज इन पैरेलल। इसको हटा के मैं एक सिंगल सी पी डैश लगा सकता हूं। तो नाउ यू हैव सी एस डैश एंड सी सेवन इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। ओके सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। Therefore, you will have CP dash equal to CS dash plus C7. C7 is C and CS dash अभी आपने find किया 4C by 11 plus C. तो ये आ जाएगा आपके पास CP dash as 15C by 11. अब इसका मतलब finally what you can do is आप यहाँ पे ultimately एक C8 capacitor लगाओगे, then in this branch you will put one more capacitor CP dash, or in the lower branch there will be C9, aisa kuch aayega. So it is going to be like this. Okay so ye A ye B, yahan pe C8 hai, yahan pe C9 hai, yahan pe CP dash hai. So now you can say, CP dash, C8 and C9 are in series. Therefore you can say finally 1 upon CAB between A and B is 1 upon C8 plus 1 upon CP dash plus 1 upon C9. Again as you know, 1 upon C8 is C, CP dash 15 C by 11 plus 1 upon C. So, ye aa jayega aapka in total, this is 1 upon C AB, this is equal to 2 by C plus 11 by 15 C. Okay, cross multiply kar lo, this is 15 into 2 30 or 11 41 C. upon 15 c square
एक सी गया तो यू विल हैव इन टोटल सी ए बी एज 15 सी बाय 41, बट सी की वैल्यू 10 माइक्रोफेरड है तो 15 इंटू 10 बाय 41 माइक्रोफेरड, 150 बाय 41 माइक्रोफेरड, तो 150 बाय 41 माइक्रोफेरड आपको मिल गया। दिस इज फाइनली दिस इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, देयरफॉर कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 150 बाय 41 माइक्रोफेरड। ओके गुड, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सिंप्लीफाई द सर्किट, हो गया। अब अगर हम लोगों ने एक 200 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट कर दिया होता तो एनर्जी स्टोर्ड यू ए बी, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन ए एंड बी इज 1/2 सी ए बी इंटू वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो 1/2 150 बाय 41 वी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 200 दिया था, तो 200 का स्क्वायर इज 4 इंटू 10 पावर 4, 1s are 2s are, this is 300, 300 into 10 power 4 by 41, matlab 3 by 41 into 10 power 6 joule of energy is stored. Okay, so this is how you get, right, no, wrong, why wrong, microfarad hai wo, microfarad ko 10 पावर माइनस 6 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो दैट द ओनली करेक्शन, नथिंग एल्स। ये कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग माइक्रोफेरड को फैरड में कन्वर्ट करना, 10 पावर माइनस 6 अभी कोई इशू नहीं है, देन इट इज राइट, आंसर हमारा सिर्फ 10 पावर 6 से रॉन्ग हुआ था, है ना, 10 पावर 6 से, क्योंकि v स्क्वायर इज दिस 1s आर 2s आर, ओके, तो ये आ गया आपके पास 300 बाय 41 into 10 power minus 6 into 10 power plus 4, मतलब 3 by 41 into 10 power minus 6 into 10 power plus 6, मतलब 3 by 41 joule. This is what you have as your final answer. This is what you will get. Okay? Good, good and simple. बहुत ही simple सा question था. So this is how you simplify a circuit. तो आपको ये पता होना चाहिए circuit simplification कैसे करते हैं. Good. One more question. We are going to take one more question. You need to know how to simplify circuit, of course. Just a minute. Let me put this question here. Okay. So two condensers, matlab capacitors. Each of capacity 10 microfarad and a battery of EMF 240 volt is given to you. You have two condensers, each of capacity 10 microfarad. So given C1 equal to C2 equal to 10 microfarad and a battery of EMF 240 volt. Okay, which of the following combination, which combination will give minimum energy? अभी दो ही combination हो सकते हैं ना, एक तो parallel या तो series. तो आपको पूछा ये है कि कौन से combination में आपको energy minimum मिलेगा, तो what you are supposed to find it out is first. आपको values तो नहीं पूछे लेकिन find कर लेंगे हम लोग, ये तो oral question है by the way, but anyways, तो let us first find out energy stored in series combination and energy stored in parallel combination. वैसे oral question है क्योंकि capacitances को जब आप parallel में connect करते हो तो capacity बढ़ता है. You already know CP is C1 plus C2 and CS is C1 into C2 by C1 plus C2 और equal होंगे तो ये 2C होता है, ये C by 2 होता है. तो definitely पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी सीरीज से ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली एनर्जी स्टोर्ड विच इज 1/2 सीवी स्क्वायर, है ना, क्योंकि यू इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, देयरफॉर यू पी इज ग्रेटर देन सी पी, हो गया क्वेश्चन खत्म, सॉरी यू पी इज ग्रेटर देन यू एस. मैं वापस बता देता हूँ,
आपको फाइंड क्या करना है, आपको पूछा क्या, आपको पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको मिनिमम एनर्जी देगा, राइट? तो विच कॉम्बिनेशन विल गिव मिनिमम एनर्जी, विच कॉम्बिनेशन विल गिव मिनिमम एनर्जी, तो विल स्टार्ट विथ सॉल्यूशन डायरेक्टली. व्हाट डू यू नो दिस, आपको पता है C parallel is C1 plus C2 that is C plus C that is 2C. ये पता है. C series, क्योंकि दो आपके पास कैपेसिटर है तो इस C by 2 directly, है ना, आपको पता है. ये नहीं पता तो फिर बोलना C1 into C2 upon C1 plus C2 that is C into C upon C plus C that is C square by 2C that is C by 2. Right, so therefore what you know is, what you see is series combination ka capacitance ye parallel se kam hai, okay, but what you know is energy stored is equal to 1/2 CV square, therefore energy stored is directly proportional to C, therefore agar capacitance series ka kam hai to energy stored bhi series ka kam hoga पैरेलल के कंपैरिजन में, राइट? तो विच कॉम्बिनेशन गिव्स मिनिमम एनर्जी, सीरीज कॉम्बिनेशन. फाइंड ही कर लेते हैं, देयरफॉर सीरीज कॉम्बिनेशन का एनर्जी आ जाएगा 1/2 सी सीरीज वी स्क्वायर. सी सीरीज क्या आया हमारे पास, सी बाय 2 आया. वी कितना दिया है, 240 दिया है, तो ये आ गया आपका सी की वैल्यू 10 माइक्रोफेरड. 10 माइक्रोफेरड को भूलना नहीं, माइक्रोफेरड अपॉन 4 × 240, ओके, 600 × 10⁻⁶ joule of energy is stored. Okay, correct. This is how you are supposed to solve this particular question. Okay, so niche 4 240, 4 × 1 = 4 × 6 that is correct. C ki value 10 microfarad hai, that is also correct. तो दिस इज समथिंग यू शुड बी गेटिंग. तो सिर्फ वी का स्क्वायर नहीं किया हमने तो इसलिए गलत आएगा. वी का स्क्वायर करना रह गया तो वी का स्क्वायर कर लो. वी स्क्वायर इज सिंपल, सो 24 स्क्वायर आपको पता होना चाहिए. 24 स्क्वायर यू शुड नो, ओके. तो सी की वैल्यू 10 माइक्रोफेरड थी अपॉन 4. 240 का स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर तो 100 आ ही गया आपके पास. 24 का स्क्वायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज 596. तो 24 का स्क्वायर इफ इट इज, यस, 576, नॉट 5796, इट इज 576. 576 बाय 4 इज 144. ओके, तो ये 144 इंटू 10⁻³ आ गया आपके पास आंसर. मतलब एनर्जी स्टोर्ड इज 0.144 जूल इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. ऑलराइट, सो डन. दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी.